अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। बेहद शुक्रिया आप लोग 11 बजे मसाला टीवी ट्यून ऑन करते हो और हमारा साथ देते हो। थैंक यू सो मच। कॉलर्स का भी बेहद शुक्रिया जो पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं, और बड़ी बड़ी मेहरबानी। आज मंगल वाला दिन है और साइमा, शेफ साइमा मेरे साथ है और बन रही हैं नान खताई और ब्रोश ब्रेड। सही है, प्रोनाउंसिएशन सही है? ब्रियोश। वेलकम साइमा, नए साल में आपको मसाला मॉर्निंग्स पे मुबारक। बहुत शुक्रिया आपको भी। अल्लाह करे ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजरे। जी तो आज आप नान खटाई और ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा क्या आपने कहा था कि जरा सा मुश्किल है इसका प्रोसेस? जी अपा, थोड़ा समझने वाला है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इंशाल्लाह हम समझाएंगे अच्छे से कि किस चीज़ को टाइम टेकिंग है। ब्रेड को, ब्रियोश को। जी ठीक है। और ये कहाँ की ब्रेड है? अबा जानी ये फ्रेंच ब्रेड है और ये फ्रेंच क्लासिक कुजीन में यूज़ होती है, फाइन डाइनिंग में बहुत कम बनाई जाती है, बहुत रिच ब्रेड है। अच्छा। जी और इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, किसी भी शेप में बना सकते हैं हम। ब्रेड लोफ पे ही बना सकते हैं हम, इसके बंस बना सकते हैं और हाला ब्रेड बना सकते हैं इससे। व्हाट इज हाला? हाला अपा जैसे हम चुटिया करते हैं, ब्रेडिंग करते हैं, तो वो ब्रेडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जी तो वो हाला ब्रेड बना सकते हैं। तो आप बंस में बना रहे हैं? बंस मैंने रखे हुए प्रूफिंग के लिए, ब्रेड मैंने बनाई थी ताकि हमारे व्यूअर्स देख सकें कि ब्रेड कैसे बनेगी, और हाला ब्रेड जो है मैं ट्राई करती हूँ कि अगर टाइम मिला तो हम सिखा देंगे किस तरह से बनेगी। ठीक है चल। जी तो पहले किस चीज़ से? नान खटाई से इंशाल्लाह। ठीक है जी, रेडी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली रेसिपी जो बनने जा रही है आज वो है नान खटाई। और नान खटाई के लिए सबसे पहले अपा जानी इसमें हमें चाहिए घी, जो कि अच्छा वही तरीका है घी का जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। दही को, घी को पूरा मेल्ट कीजिए, मेल्ट करने के बाद उसको फिर से जमाने के लिए रख दीजिए और फिर उसको बीट करेंगे। ठीक है, ये अभी अपा जमा नहीं है। हाँ। क्योंकि ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन एनीवेज इसका जो बेसिक तरीका है, आपने इसको घी को पहले मेल्ट करना है। मेल्ट मैं सिखा चुकी हूँ जी। हाँ। और लेकिन ये कि मैं स्टार्ट ले लेती हूँ, काफ़ी चिल्ड है लेकिन अभी जमा नहीं है। सबसे पहले हम घी लेंगे अपने बोल में, जमना चाहिए अच्छा लाइक बटर फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल, आप उसको मेल्ट करें घी को और फिर वो बटर इसको छिल करने रख दें, बटर फॉर्म में आ जाए। अच्छा, जब ये घी जमा हुआ होगा तो पहले हम इसकी क्रीमिंग करेंगे ताकि ये अच्छे से बटर जैसा हो जाए, फिर हम आइसिंग शुगर डालेंगे। लेकिन क्योंकि अभी ये चिल्ड है, जमा नहीं है, मैं डायरेक्ट आइसिंग शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फिर हम एक साथ इसको जो है बीट करेंगे 250 ग्राम। जी ठीक है, 250 ग्राम जमा हुआ घी और 250 ग्राम चीनी। अच्छा, इसमें कैस्टर शुगर है, आप आइसिंग यूज कर रहे हो? अब आइसिंग शुगर है जी, कैस्टर नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो सकता है। आइसिंग शुगर लिख लीजिए प्लीज आप लोग। और बेकिंग सोडा आप लोगों के पास 1 टीस्पून लिखा आ रहा होगा, वो 1/2 टीस्पून है, उसको भी करेक्शन आप लोग कर लीजिए प्लीज। बेकिंग पाउडर इज 2 टीस्पून, बेकिंग सोडा इज 1/2 टीस्पून। आइसिंग शुगर जब भी ऐड करें मेक श्योर कि उसको अच्छे से छान लें। हाँ। क्योंकि उसमें छोटे छोटे लम्स होते हैं तो वो बहुत बुरे से वो डिसॉल्व नहीं होंगे। फिर ठीक है, बस इसकी हम क्रीमिंग करेंगे थोड़ी सी। इसके बाद इसमें हम जो है ऐड करेंगे अपने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें बेसन है हमारे पास 50 ग्राम बेसन जी, मैदा है 250 ग्राम मैदा जी, 2 कप सीफ्ट होता है, साथ ही इसमें 1/2 चम्मच जो है टीस्पून बेकिंग सोडा,
2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जी, अच्छे से गुड मिक्स देंगे। और इसी में जो है हमारे पास आमंड्स हैं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा होता है अगर वो जो खुबानी वाला आमंड जो होता है आपका अंदर का जो खुबानी का, वो एक टिपिकल है वो होगा तो उसका एक बिल्कुल अच्छा जेन्युइन फ्लेवर आता है। मेरे पास नहीं था, मैंने नॉर्मल जो देसी आमंड है हमने वो लिए। इन आमंड्स को आपने टोस्ट कर लेना है अच्छे से, और टोस्टिंग करके और इसको मोटा मोटा क्रश कर लेना है। ठीक है, तो ये टोस्टेड है, बहुत स्लाइटली सा टोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हम करेंगे। ये भी हम इसी में ऐड के लगते हैं टोस्ट जी, ये भी हम इसी में ऐड करेंगे। और एक अच्छे से किस चीज़ के लिए? ओके, आज का सवाल जो आपको जिताएगा एनिक्स की आयन। ठीक है, और सवाल यह है, देखते हैं अब कौन कितना समझ रहा है साइमा को। साइमा जब भी अंडे की सफ़ेदी फेंकती हैं तो वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करती हैं? ठीक है, साइमा जब भी अंडे की सफ़ेदी को फेंकती हैं तो वो पहले क्या टेक्निक इस्तेमाल करती हैं और फिर सफ़ेदी भी करती हैं? जी अच्छा, अब यानी यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि ये है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स की जैसे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। इसको हम जोड़ कर देखेंगे अगर तो, हाँ अगर तो ये जुड़ गया ठीक है, लेकिन ये देखिए अभी थोड़ा सा क्रम्बली है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें बिल्कुल ज़रा सा बिल्कुल एक एक चम्मच करके मैं ऐड करूँगी, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं जोड़ना। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं दूध नहीं डालती, अभी मैं मेल्टेड घी डालती। हाँ। अब मुझे पता है अक्सर तो लोग क्या करना रीजन सही क्या होता है, अब दोनों ठीक है, लेकिन घी का ये है कि घी से जब वो आपकी नान खटाई बन जाती है वो स्टिल बहुत ज़्यादा क्रम्बली रहती है, जबकि दूध डालने से वो एक अच्छी स्टेबिलिटी में उसमें आ जाती है और उसका कलर भी बहुत अच्छा। दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक, तो पर्सनली मैं दूध ऐड करती हूँ लेकिन थोड़ा सा और एक एक चम्मच करके, और हमने ऐसा नहीं है कि इसको डो बनाना है, डो बिल्कुल नहीं बनाना, ये रहेगा स्टिल क्रम्बली रहेगा लेकिन इसको जोर लगा के प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने एक चम्मच 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है, अभी देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितना हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून और ऐड किया है मैंने, थ्री और 4 टीस्पून मैं ऐड कर चुकी हूँ। मैं इसको चेक करूँगी, ज़रा मिक्स हो जाए अच्छे से। ठीक है, इसका हम उठा के देखेंगे, इसको अगर मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ तो ये जुड़ रहा है अब, और ये इतना ही क्रम्बली होना चाहिए जी, बहुत ज़्यादा हमने इसका डो नहीं बनाना। एक मिनट जी, अच्छा इतना ही रहना, इतना ही रहना चाहिए ठीक, बस इतना हो कि हम इसको अब सिर्फ पोर्शन में करूँगी इस तरह से करके। और अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी नहीं आपसे कंट्रोल, जैसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो हो रहा है। हाँ। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा तो एक टीस्पून और ऐड कर दें। ठीक है, ठीक है, बस ये है, एक चम्मच सेफ साइड डाल भी देती हूँ। हमारी टोटल चली गई हैं 5 टीस्पून, बस इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। इसको हम पोर्शन करेंगे, मैं इसका पोर्शन 25 या 30 ग्राम्स का करूंगी। आप 30 ग्राम्स भी ठीक है, गुड साइज़ बनेगा, लेकिन 30 से बड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा, वो बहुत बड़ी हो जाएंगी क्योंकि ये फूलेंगी। ठीक है, हम इसको पोर्शन जी, ब्रेक आ चुकी है, सवाल का जवाब जल्दी जल्दी दीजिए, कॉल करके दीजिए, मैसेज करके दीजिए। और एक छोटी सी खबर है आप लोगों के लिए, आपको पता है कि ओमिक्रॉन कोविड बहुत ज़्यादा
तेज़ी से फैल रहा है कराची में और पूरे पाकिस्तान में ही फैल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इसी वजह से, और कराची में बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है 4-5 दिन तेज़ बारिशों की, तो इस वजह से हमने अपनी संडे की 8 तारीख की बीच लग्जरी होटल की क्लास को पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है, बिकॉज़ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, ना अपने आप के लिए ना आप लोगों के लिए। तो SOPs का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह ताला जब हालात बेहतर होंगे तो डेफिनेटली क्लास फिर होगी, ठीक है। हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा ये देखें, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिल्कुल क्रमली हो रही हैं ये, लेकिन घबराइएगा नहीं, ऐसे ही करना है। ये लाहौर की जो नान खताई हैं खलीफा की, उसी स्टाइल से ये लोग शाइना कह रही हैं, वो इसी स्टाइल से बनाते हैं। हम तो, मैंने जो आपको सिखाई है उसमें तो मैंने डो फॉर्म में ले आई थी ना, ये डो नहीं है, ये अभी भी जब मैं मेजर कर रही थी ये क्रमली थी, और साइमा ने उसको इस तरह पकड़ के दबाया और फिर इस पे रखा और फिर हल्के इधर से हाथ से उसको प्रेस कर दिया। बता दीजिए साइमा। बिल्कुल, आप, मैं बता देती हूँ, ये हमने 30 ग्राम्स का डो लिया, आप देख सकते हैं क्रम्बी है, इसको आपने अच्छे से अपने हाथों में प्रेस करना है, ठीक है। अब लेट से कि यहाँ पे मैं समझा देती हूँ कि जैसे आपने इसको रखना है और अपनी हथेली की मदद से आपने इसको प्रेस करके और बस आपने इसको इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मिल्क ऐड नहीं करना, लेकिन अगर कुछ लेडीज़ जैसे नहीं कंट्रोल कर पा रही तो कोई हर्ज नहीं है, आप और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल डो नहीं बनाना है इसका, इसको ऐसे ही रखना है तो ही आप उसका रियल टेक्सचर जो है वो ले सकेंगे, ठीक है। ट्राई कीजिएगा जी। ये मैं साइड पर कर देती हूँ और इसका जो हमने आपका ब्रश मैं ले लेती हूँ, मेरे पास ब्रश है यहाँ पर, अंडे की जर्दी है मेरे पास, सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल हम करेंगे और इसके अंदर बिल्कुल 1 टीस्पून जो है मिल्क ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। वाइट दूध डाला, अब 1 टीस्पून बस, एक जर्दी में 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है और इसको बहुत अच्छे से हमने कोट करना है, ठीक है, इस तरह से हर तरफ से जो है हम इसको अच्छे से, इतना ज्यादा ज्यादा जी, इसको अच्छे से कोट करना है। हेलो मेलिसा। हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। यू कॉल जस्ट फॉर साइमा, नॉट फॉर मी। नो नो बाबा, आई कॉल फॉर यू आल्सो। आई ट्राइड योर तंदूरी मटन मसाला, यम्मी 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 यम्मी। ओके ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आल्सो आई विल स्पीक टू शेफ साइमा। या या, हैप्पी न्यू ईयर शेफ साइमा। हेलो, मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। जी सेम टू यू। अच्छा, एक मुझे ब्रियोश ब्रेड का पूछना है आपको। जी, यू नो नाउ द लेटेस्ट स्टाइल आई हैव सीन ऑन द नेट, दे पुट कस्टर्ड। जी ओके, नाउ व्हेन यू आर मेकिंग द ब्रेड, इफ आई मेक दैट कस्टर्ड लाइक दैट क्रेम पेटिसेर व्हाट यू से, जी ठीक है, हाउ डू आई पुट इट? आई डोंट वांट टू कीप इट ऑन टॉप बिकॉज मेरी बेटी अभी 6-6 तारीख को जा रही है, तो मुझे वो इरादा था कि बंस बना के उसको दे दूं समथिंग स्वीट, बिकॉज वो चीज नहीं डाल सकती उसके अंदर। जी ठीक है, तो इफ आई पुट, इफ आई वॉन्ट टू मेक लाइक दैट कस्टर्ड एंड पुट इन साइड, सो अगर वो नहीं है तो टूटी फ्रूटी अगर डालना है तो मैं कैसे, किस फॉर्म में डालू, कैसे कब डालू, वो बता दें। ठीक है, मैं जरूर अभी बताती हूँ आपको। हाँ, ऑल्सो आंटी आई विल टेल यू हाउ शी बीट्स द एग वाइट। ओके, टेल मी, बट द गिफ्ट कांट रीच यू। So it's better you don't tell us. I know you know, because then the other people will know it. Nahi batana, nahi batana. Huh? You don't say. Okay. I know you know it, but you don't say, otherwise people will hear you and then say the same answer. Okay. Thank you. जी साइमा। जी आप। बस वो मैंने oven में रखती हैं। 160 का हम टेम्परेचर रखेंगे, 160 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और 20-25 मिनट, लेकिन साइज पे भी डिपेंड करता है, समटाइम्स बड़ी है तो टाइम लेती है, छोटी हो तो कम टाइम लेंगी, ठीक है जी। 20-25 मिनट के लिए आप देख लीजिएगा, 20 मिनट के बाद अवन को खोल के और हल्के टेम्परेचर पे बेक होगा 160 सेल्सियस पे। बिल्कुल,
जी। अच्छा, अब हम जो है ब्रियोश की तरफ आते हैं। ब्रियोश ब्रेड को मैं थोड़ा सा समझा दूं कि ब्रियोश ब्रेड जो है ये पेस्ट्री डो कहलाता है। रीज़न ये है कि ये है ब्रेड लेकिन इसका डो थोड़ा पेस्ट्री लाइक है, क्योंकि इसमें जिस तरह से हम बटर ऐड करते हैं, जिस तरह से इसमें हम अंडे और चीनी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत रिच डो है। जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं या बहुत अच्छी जगहों पे जब आप बर्गर बंस खा रहे होते हैं, आपको फील होता है कि ये बर्गर बन थोड़ा डिफरेंट है और एक्सपेंसिव भी है। रीज़न ये है कि वो बर्गर बन जो है वो ब्रियोश का होता है, या वो पोटैटो रोल्स होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं सिखाने वाली हूँ, जिनकी वो फरमाइश है हमारे डायरेक्टर। बहुत पॉपुलर हो गया अब तो कराची में भी बर्गर्स मेड विद पोटैटो बंस। बिल्कुल, वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। और आप यानी इस तरह से सिखाएंगे इंशाल्लाह कि हम जो हमारे ओरिजिनल पोटैटोज हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करके सिखाएंगे। स्टार्च उसी का मैं निकालूंगी, उसी के पानी को इस्तेमाल करूंगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा महंगा भी ना पड़े, वरना पोटैटो स्टार्च बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो बहुत सिंपल रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत जल्द। और लेकिन ये है कि ब्रियोश का जो है स्टार्ट लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ें इसमें समझने की हैं कि ब्रियोश में अंडे ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं और मक्खन बहुत हैवी क्वांटिटी में जाता है। मक्खन हम हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब तक हमारे मैदे का, आटे का ग्लूटेन स्ट्रैंड जो है वो एक्टिवेट ना हो जाए, मक्खन नहीं डालते। अगर मक्खन ऐड करेंगे तो ग्लूटेन एक्टिव नहीं होगा, तो वो फिर ब्रेड जैसा नहीं बनेगा, वो बिल्कुल पेस्ट्री डो हो जाएगा। क्योंकि पेस्ट्री में हम क्या करते हैं कि मक्खन पहले डालते हैं ताकि हमारा ग्लूटेन एक्टिव ना हो। तो इसकी बीटिंग जो है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझने की हैं। अगर तो आप ये इसका स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डो हुक का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मेरे पास डो हुक है, मैं दिखा देती हूँ, हम डो हुक का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी के पास ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसको हाथों से गूंदेंगे आटे को, और आप मक्खन नहीं ऐड करेंगे, प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे, लेकिन हाथों से इतना गूंदेंगे कि पहले आपका डो जो है कम से कम 10 मिनट आप उसकी अच्छे से नीडिंग करेंगे, ठीक है। जब वो अच्छे से नीड हो जाएगा फिर आप उसमें मक्खन ऐड करके फिर उसकी नीडिंग 10 मिनट तक मज़ीद करेंगे। कुछ पेस्ट्री शेफ्स जो हैं वो आपा बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेते, वो कहते हैं कि आप बस जाने दो, हो गया मक्खन मिक्स हो गया। मेरी एक पेस्ट्री शेफ़ थी दुबई में, क्योंकि ये फाइन डाइनिंग कुजीन की थी, तो हम शेफ की कंपनी में काम करते थे, तो वहाँ पे ये ब्रेड बहुत ज़्यादा बनती थी, तो वो 2 आवर्स तक इसकी बीटिंग, इसकी नीडिंग करती थी। जी, हालांकि मैं इतना नहीं करती, मैं हार्डली 20 मिनट्स करती हूँ, लेकिन समटाइम्स आपको इतना ज़्यादा उसमें ग्लूटेन भी एक्टिव करना होता है, तो वो 2 घंटे हमारी मशीन, हम उसको रेस्ट देते थे फिर चलाते थे, रेस्ट देते थे फिर चलाते थे। तो खैर, 2 घंटे आपने नहीं करनी। हर पेस्ट्री शेफ़ का अपना अपना माइंड सेट होता है किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट को आगे लेकर आता है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि 20 मिनट आप इसको ज़रूर नीडिंग करें, 10 मिनट डो को सिर्फ मक्खन से पहले और 10 मिनट मक्खन डालने के बाद। अच्छा। जी, तो बस स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि समझ ना आए, और ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत अच्छी रिच ब्रेड है। आपके वो बंस तो बहुत लोगों ने बनाए। जी, 5-10 साल। जी, ये भी आवाज़ यानी बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस है, अभी इंशाल्लाह बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मिल्क है जिसको एज़ यूजुअल थोड़ा सा वार्म करेंगे ताकि हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। बहुत स्लाइट वार्म करना है इसे, हमने ज़्यादा नहीं करेंगे। ईस्ट को पर्सनली अंडे नहीं पसंद होते, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ईस्ट शौक से नहीं, मतलब इसमें फलता फूलता, तो पहले इसीलिए हम थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म मिल्क लेंगे, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे ताकि वो जल्दी एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, ये गरम, एक तो हमारा माशाल्लाह माइक्रोवेव इतना अच्छा है, बहुत, ये भाई हमारे फुटाइल माइक्रो कमाल के हैं वाकई, इतने सेकंड्स में वो जो है ना तेज गरम कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चेक करूंगी, नहीं अभी थोड़ा सा तेज गरम हो गया है, मैं इसमें शुगर जब तक ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए इसका। मिल्क है आपका 60 ग्राम और कैस्टर शुगर है 80 ग्राम। जी, थोड़े से स्वीट वाली साइड पे इसका होता है क्योंकि मैंने बताया कि पेस्ट्री डो जैसा वो है, इस वजह से 80 ग्राम कैस्टर शुगर इज नियरली 3 आउंस हीप्ड, 75 ग्राम होता है 3 आउंस। दोबारा चेक। जी, अब ये नॉर्मल हो गया बिल्कुल। इसमें मैं ईस्ट ऐड करूँगी,
ईस्ट है इसमें आपका इंस्टेंट 11 ग्राम जी। ब्रियोश जो है ये सबसे इसका बेस्ट वे होता है फ्रेश ईस्ट से बनाया जाता है। अच्छा। जी लेकिन क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हमें हर चीज़ का अल्टरनेट निकालना होता है तो हम इंस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये कि व्हाट इज फ्रेश ईस्ट, आई हैव नेवर यूज्ड फ्रेश ईस्ट। अब फ्रेश ईस्ट जो है ना वो मिलता है ब्लॉक फॉर्म में जैसे बटर मिलता है। अच्छा। इस तरह से मिलता है जी। अच्छा। और उसकी भी शेल्फ लाइफ होती है कि आपने कब तक आप उसको यूज कर सकते हैं जी। ओके। और बटर के चंक्स की तरह हम उसको कटिंग करके ऐड करते हैं। अच्छा। जी यहाँ मिलता है? नहीं यहाँ नहीं मिलता जी। ठीक है मेरे पास ये मिक्सचर है, ये मैं इसमें पहले अंडे हम डाल देते हैं ठीक है हमारे बोल में। आपने पहले दूध डाला फिर अंडे डाल दिए जी। अब दूध मिल्क इसी में है क्योंकि मैं वो आपने बीटर में उसमें बोल में सिर्फ अंडे डाले और ये दूध चीनी और अच्छा। ईस्ट मेरे पास है ये मैं ऐड करने लगी हूँ बस। थोड़े से अंडे ब्रेक हो जाए तो इसमें जो है हम ये कितनी देर अंडे बीट करने अब बस जरा सा वो अच्छा। एक साथ भी डाल सकते हैं कोई इश्यू नहीं है जी। ठीक है इसमें ये मैं ऐड कर दूंगी हमारा मिक्सचर ईस्ट और शुगर मिल्क वाला। ऐड मिल्क थोड़ा सा एक गुड विप देंगे ब्रेक है ऐसा है ना जी ब्रेक आ गई है क्या करेंगे? ठीक है अपा ले लेते हैं जब तक मैं सिर्फ ये ऐड करके मैदा और सॉल्ट इसको हम बीट कर रहे हैं आप वापस आ जाएं। ठीक है जी आप डालें फिर हम चलते हैं। ठीक है मैदा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। मैदा जा रहा है इसमें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जी। और ये मेरे पास जो है सॉल्ट है और नमक जा रहा है 1/2 टीस्पून जी। ठीक है बस ये ऐड करके और हम इसको बीट करें क्योंकि 10 मिनट तक इसको हमने करना है। ठीक है जब तक आप ब्रेक से आएंगे इसको हम बीट ही कर रहे हैं। ठीक है वेलकम बैक सुनो सायना जी। अब ये तो बहुत सॉफ्ट है जी। अब ये डो बहुत सॉफ्ट होता है। अब इसका जो वर्किंग जो तरीका है ना ये फ्रोजन होगा डो, इसको हम बिल्कुल चिल्ड करते हैं, उसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते काम। इसकी मैं अभी एक ये भी बता देती हूँ कि हम लोग डो लाए ना अभी कंपनी से उठा के तो वो रास्ते में मेल्ट हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा बटर था तो उसमें से मैंने कुछ को तो पेड़े बना के रखे लेकिन वो मेल्ट हो रहे थे एनीवेज। लेकिन मैंने कुछ फ्रीज़र में रखा है दिखाने के लिए कि ये इसका किस तरह का होना चाहिए डो जी। आपका मतलब है ये हमने डो 10 मिनट अभी गूंदा जी उसके बाद हम ये मक्खन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक खट्टे डाल देंगे? नहीं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बस थोड़ा मैं भी ऐड करने लगी हूं। ठीक है ये हम थोड़ा थोड़ा करके आप मक्खन डालेंगे इसमें और फिर इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये पूरा इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। ओके जी एंड देन यू विल पुट दिस डो इन द फ्रीजर? नहीं ये फर्स्ट प्रूफिंग इसकी बाहर होगी। फर्स्ट प्रूफ के बाद इसको हम जो है फ्रीजर या फ्रिज में 24 घंटे के लिए रखेंगे 24 आवर्स। ठीक है और इसका ये है कि मैं अभी साथ साथ समझाती जाती हूँ। अभी इसमें हम जो है बटर ऐड करेंगे मैं थोड़ा सा जी। ठीक है बटर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आपका होना चाहिए, सॉफ्ट एंड होना चाहिए। बिल्कुल बटर इज 250 ग्राम जी 300 ग्राम सॉरी इसका जो अगर आप एग्जैक्ट फ्लेवर लेना चाहते हैं ब्रियोश को इंजॉय करना चाहते हैं या अपने गेस्ट के लिए ब्रेड बना रहे हैं या आप फ्रेंच टोस्ट बनाने जा रहे हैं क्योंकि दुनिया में आप जब आप रेस्टोरेंट में फ्रेंच टोस्ट सर्व करते हैं तो वो ब्रियोश ब्रेड होती है, वो कभी भी नॉर्मल वाइट ब्रेड या मिल्क ब्रेड से नहीं बनता वो। और इसको अच्छा खासा थिक रखा जाता है 2 इंचेस की इसकी कटिंग हम करते हैं और फिर आप उसको जो है सिनेमन मिल्क और अंडे वाले मिक्सचर में भिगो कर जो है फिर आप उसको फ्राई करते हैं तो उसका एक अलग ही मजा है। ओके, तो एनीवेज जी तो आप फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच टोस्ट जो होता है तो वो ब्रियोश से बनता है। ठीक है बहुत मज़े का होता है। अब इसका जो अगर आप जेन्युइन फ्लेवर इंजॉय करना चाहते हैं आप इसको 24 घंटे रखें फ्रिज में। फर्स्ट प्रूफिंग इसकी हम बाहर करेंगे जब ये डबल इन साइज हो जाएगा आप इसको डी गैस करें पंच आउट करके दोबारा से इसकी फोल्डिंग करके आप इसको क्लिंग रैप करें आप इसको फ्रिज में या फ्रीजर में भी रख अच्छा, सकते हैं जी फ्रीजर में भी रख सकते हैं आप इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। बेहतर है चिलर हम रिकमेंड करते हैं, चिलर हम कहते हैं 0-5 डिग्री तो हमारे यहाँ के आप 0-5 होते ही नहीं आपको पता है हमेशा ऊपर ही जा रहा होता है
तो कोशिश करेंगे 5 डिग्रीज के अंदर इसको जो है आप रखें 24 घंटे के लिए, फिर आप इसको फ्रिज से निकालें, क्योंकि आप इस पर काम कर ही नहीं सकते अगर ये ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पतला डो होता है इसका, बहुत ज़्यादा। से दिखा दीजिए डो। बिल्कुल, मैं आप ये जो है बटर ऐड करने से पहले भी दिखा देती हूँ कि ये कितना स्टिकी है, ये देखें, ठीक है, ये इस तरह का डो है इसमें, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जी। और वर्किंग करते हुए आप, जाहिर सी बात है, बेंच जो फ्लावर है हम यूज़ करेंगे, हम उसको बेंच फ्लावर कहते हैं जो आप ऊपर ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, उसका रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कोई सी भी ब्रेड बना रहे हो। ये थोड़ा सा अगर मिथ किसी के माइंड में है कि हम ब्रेड बना रहे हैं और बेंच फ्लावर हम काफ़ी सारा ऐड कर रहे हैं तो हमारी रेसिपी चेंज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रेसिपी पे आप काम कर चुके हैं, रेसिपी प्रूफ हो चुकी है, वो ख़राब नहीं होती। बेंच फ्लावर भले आप जितना मर्ज़ी ऐड करें, इतना भी नहीं कि वो हार्ड हो जाए, इतना कि आप वर्किंग कर सकें, ठीक है, उसका रेसिपी से कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपको 24 घंटे हो जाएंगे फ्रिज में, अगर आप दे सकें, नहीं तो 12 घंटे कम से कम डो को छोड़िएगा, पूरा ओवरनाइट छोड़िएगा, फिर आप उसको निकाल कर जो भी आपने शेप देनी है, ये उसी सूरत में होगी जब डो चिल्ड होगा। जैसे ही वो सॉफ्ट होगा आप शेप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बटर सारा मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, शेप देने के बाद फिर वापस शेप को आप जब हम शेप देंगे ना, फिर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, फिर उसकी सेकेंड प्रूफिंग होगी। नहीं तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा तो? नहीं तो वो तो शेप दे दी ना हमने, शेप दे चुके हैं, ताकि अब वो जहाँ भी फूलना है वो फूल जाए। बंस बनाने हैं तो आप रिंग यूज कर सकते हैं, ब्रेड बनानी है तो मोल्ड यूज कर सकते हैं जी। नान खटाई भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, बस मैं ये बटर ऐड कर दूँ इसमें, निकाल लूँ अब मैं देखती हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, ये ब्रेड ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं अपना, जैसे अक्सर रेस्टोरेंट्स छोटे लेवल पे या जैसे भी आप चला रहे हैं और आप कोई बहुत अच्छा बर्गर बन या ब्रेड सैंडविच या आप कुछ देना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में, फ्रेंच टोस्ट वगैरह, तो आपके लिए ये आइडियल ब्रेड है। अब ब्रेड्स घर की बनी हुई फ्रेशली आउट ऑफ द ओवन, अल्लाह उसका क्या मज़ा आता है, गरम गरम। हालांकि बोलते हैं गरम ब्रेड नहीं यूज करनी चाहिए ना, उसको थोड़ा सा सेटल होने दें। हाँ, लेकिन अब कुछ ब्रेड्स खाई वार्म जाती हैं, वार्म ब्रेड्स खाई जाती हैं, कुछ ब्रेड्स को जरूरत होती है रेस्ट देने की, और फ्रेशली बेक का अपना ही मजा है, फ्रेशली बेक ब्रेड्स का। थोड़ा सा ये हो जाए हमारा, ब्रेक ले लें अबा, ले लें बस, मैं नान खटाई आउट करती हूँ। हाँ। और हम आ रहे हैं, ये बीटिंग ही हो रही है, मैं इसके बाद आके जो हमने फ्रीजर में डो रखा है मैं उसको दिखा देती हूँ। ठीक है, जाइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ये देखें जो साइमा बना के लाई है ब्रेड के फॉर्म में, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने आपको समझाने के लिए। ये देखिए, मैंने ब्रेड बनाई है, ये हमारी ब्रियोश ब्रेड है, बहुत रिच ब्रेड है, इसके हम जो है लोफ्स आप स्लाइसेस कट करते हैं और आप फिर जो है इसको एंजॉय करते हैं फ्रेंच टोस्ट के उसमें, ठीक है, आप जैसे खाना चाहें आप खा सकते हैं। इस ब्रेड से फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी ब्रेड को आप बंस फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा है हमारी सुबह सुबह दौड़ लगी होती है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो ये मैंने अर्जेंट प्रूफिंग की है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी रख के तो थोड़ा सा स्प्रेड हो गया है, लेकिन एनीवेज आप इसको जब ठंडे को रोल करेंगे, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं नान खटाई निकाल के इसको बेकिंग के लिए रख रही हूँ ताकि हम आपको दिखा सकें। इसके ऊपर मैं एग वॉश देने लगी हूँ। वही है एग और मिल्क? बिल्कुल, अपनी मैंने इसमें मिल्क ऐड नहीं किया, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं, ये मैंने होल एग लिया है। ठीक है जी, अगर आप करना है, और इसको बहुत सॉफ्टली आपने करना है, जितना नरम ब्रश आप ले सकें, अगर ब्रश नहीं है बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो किचन टॉवल या कोई नरम कपड़ा घर में हो आपने इसके अंदर डिप करना है और आपने इस तरह से फेर देना है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन इसको प्रेस नहीं करना क्योंकि ये अच्छी खासी फूली हुई होती है ऊपर से, और अभी ये मज़ीद स्प्रेड होगा जब ये ओवन में जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए सिंपल शेप इसलिए मैंने बनाई है, मैंने हाला शेप आप लोगों को सिखानी थी,
लेकिन क्योंकि हमारा डो कंपनी से यहाँ पहुँचते पहुँचते बटर उसका मेल्ट हो गया, तो मैंने इसको प्लेन बंस बना दिए, लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगी हाला भी, आप परेशान मत होइएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। और आंटी मुझे सवाल का जवाब देना था। दीजिए। जो साइमा जी है वो जो अंडे अंडे की सफेदी जो फेंकती है तो पहले वो जो बाउल में जिसमें फेंकती है उसको पहले विनेगर से आप लोग क्लियर करते हैं फिर आप उसको फेंकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। जी मुझे साइमा जी से बात करनी है। साइमा जी, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नहीं कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जरूर कीजिए। वो जो व्हाइट कलर वाले जो बंगाली रसगुल्ले होते हैं वो बनाना सिखा दीजिएगा, और वो जो केक्स और बिस्किट वगैरह विदाउट ओवन बनाना सिखाते हैं वो प्लीज सिखा दीजिएगा। जरूर। आपने व्हाइट कौन सी चीज कही है? व्हाइट रसगुल्ला, जो बंगाली रसगुल्ले होते हैं ना। अच्छा ऑल राइट, ठीक है इंशाल्लाह रसगुल्ला। कल का विनर कौन था प्लीज बता दीजिएगा? कल के विनर आप उधर पूछ लीजिए, मुझे तो याद नहीं है इस वक्त, आप पूछे मेरे डायरेक्टर साहब से। जी फिर साइमा जी आप तो। अच्छा वो हमने जो इसको एग वॉश करके मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि अगर इस साइज की ब्रेड आप घर में बना रहे हैं, ये मैंने इसमें बेक की हुई है, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे बेक हाउस से हमारे, तो इस साइज में अगर हम बेक कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट टेम्परेचर होना चाहिए वो 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिस पे आप 25 मिनट तक इसको बेक करेंगे, और 25 मिनट के बाद आप इसको 160 डिग्री सेल्सियस पे मज़ीद 20 मिनट बेक करेंगे, यहाँ तक कि जब आपको इसमें से हॉलो आवाज़ आने लग जाए। मैंने पहले भी बताया था कि टैप करेंगे आप ऊपर से और आपकी ब्रेड बेक हो गई, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे आप इसको बटर कर दीजिएगा, कवर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नान खताइयाँ हमारी रेडी है बिल्कुल, और इसको मैं थोड़ी देर में अभी निकालूंगी, जल्दी हम उठाएंगे तो टूटने का डर होता है, गर्म है। और इस तरफ मैं आपको डो दिखा देती हूँ, आप ये देखिए इस हद तक इसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है, ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट डो है और इतनी इलास्टिसिटी इसमें होगी। और आप अपना बोल जो है इसको ग्रीस कर लीजिएगा, मैंने फिल वक्त नहीं किया हुआ लेकिन आप कर लीजिएगा, ठीक है, ग्रीस करके। और हम जो है इसको इस डो को दूं, आपको तेल दूं? अब दे दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा जी जी, बस थैंक यू। मैं इसको जो है ग्रीस कर लेती हूँ किसी भी चीज़ से, आप ऑयल से, शॉर्टनिंग से, बटर से, जैसे भी आप इसको ग्रीस कर ले ताकि चिपके ना। और यहाँ पे जो है ये डो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट है, ये इस तरह का है, ठीक है, ये आप इसमें निकालेंगे, अब ये जो डो है जब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, इस डो को ये आप देखें इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट और प्यारा, ठीक है, आप इसको जो है अच्छे से कवर करके और इसको गर्म जगह पे रखेंगे यहाँ तक कि ये डबल साइज का हो जाए, ये इसकी फर्स्ट प्रूफिंग होगी, ठीक है। इसके बाद जब फर्स्ट प्रूफिंग हो जाएगी आप इसको दोबारा से डीगैस करेंगे और फिर कवर करके आप फ्रिज में रख देंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह का है, ठीक है, इतना हार्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें मक्खन है, ये मैंने फ्रीजर में रखा था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, आप लोग फ्रिज में ही रखिएगा इसको थोड़ा सा इसको मैं, हाँ बिल्कुल डिफरेंट, ये देखें ये इतना हार्ड हो जाएगा आपा, तो अब इस पे मेरा जो दिल चाहेगा मैं इसको शेप दे सकती हूँ, ठीक है, ये वाला इतना हार्ड होना चाहिए। तो आप इसको जो, अच्छा मैं इसकी एक छोटी सी शेप दिखा दूँ क्योंकि टाइम का हमें आइडिया इतना नहीं हो रहा मुझे कितना लग गया, अच्छा ठीक है आराम से करें, ठीक है, इसको आप मैं इस तरह से, अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा जानी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी जी। साइमा जो है वो सफेदी जो है हल्का नीम गरम है ना बॉइल करके इस्तेमाल करती है, ये इनकी टेक्निक है। क्या करती है? नीम गरम बॉयलर पे व्हाइट सफेदी को। अच्छा चलें ठीक है, ओके ठीक है,
आपा आपको नए साल की मुबारक आपकी टीम को। खैर कब से कॉल लगा रही हूँ, आप बड़ी मुश्किलों से कॉल लगी है। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ये शेप देखें, ठीक है। अच्छा ये सिंपल बंस की शेप है आपा, इसमें कम से कम 80 ग्राम्स का आप लेंगे डो, अगर 80 नहीं आप 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से जैसे क्रॉस यू शेप कह लें, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और इसको जो है अंदर ले लेंगे, बिल्कुल एक को यहाँ से आउट करेंगे ये वाला, ठीक है। और इसको हम पीछे से जाके यहाँ से पिंच कर देंगे, तो ये हमारी छोटी सी हाला बंस। अगर आप हाला बंस बनाएंगे तो ये छोटी सी आपकी ये शेप बहुत क्यूट लगती है। ये तीन इसके जो है ये स्ट्रैंड्स आते हैं। हाला बंस आप इस तरह से बना सकते हैं, अगर आप हाला ब्रेड बनाना है तो उसके काफ़ी सारे स्ट्रैंड्स होते हैं। जैसे आप नॉर्मल घर में हम छुट्टियाँ बनाते हैं तीन पार्ट करके आप ब्रेडिंग करते हैं, तो आप तीन पार्ट वाली ब्रेडिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को फ्रेंच चुटिया बनानी आती है तो उस हिसाब से जी चार, बिल्कुल, तो आप वो वाली कर सकते हैं। और इसके हम सिक्स मेकअप आर्टिस्ट को बुलवा लें या वो आके बहुत अच्छे से कर देंगे इसकी ब्रेडिंग, ठीक है। जैसे ही आप ये बस थोड़ा सा वो होता है तो मैं दिखाती हूँ, अगर मैं कर सकी सिक्स ब्रेडिंग वाली हूँ। मुझे भी याद, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको करते हुए, लेकिन बहुत प्यारी टेक्निक है। अगर मैं अभी कर सकी तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये इसको हम प्रूफ, अल्लाह क्या डो है, इसको राइस करने रखेंगे कवर करके। जब ये डबल हो जाएगा तो इसको पंच डाउन करेंगे, पंच डाउन करने के बाद शेप देंगे, राइट? नहीं, अब फ्रिज में रखेंगे। हाँ, फ्रिज में रखेंगे 24 आवर्स के लिए, फिर शेप देंगे और फिर राइस करेंगे। बिल्कुल, शेप देने के बाद आपने फ्रिज में नहीं रखना, फिर आप बाहर रख के इसकी प्रूफिंग करेंगे, यहाँ तक कि ये डबल साइज जैसे वो बंस हो जाते हैं या जो भी ब्रेड हो जाती है प्रूफ हो जाएगी, फिर आप इसकी बेकिंग करेंगे, ठीक है। जब तक मैं ये भी निकाल लेती हूँ हमारी नान खताई, आप देख सकते हैं काफी हद तक सिमिलर है जो मैं आपको, ठीक है। आप इस तरह से हाथ से भी उठा सकते हैं, उस वक्त कितना मेरे डायरेक्टर साहब को ब्रेक खपे चले जी, तंग करते हैं ये मेमनी में जी, चलें ले लीजिए ब्रेक जी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये अंदर की शक्ल देख लीजिए, अगर मेरा कैमरा आपको क्लोज़अप करके दिखा सकता है, इसकी अंदर की, जब मैंने जैसे ही तोड़ा, इसकी अंदर की शक्ल बिल्कुल खलीफा की नान कटाई है। और टेस्ट, ओह माशाल्लाह, आई थिंक इट्स बेटर देन देयर, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इट इज़, डू ट्राई इट। ये तो मैं भी आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ट्राई। गैस नहीं आ रही है ना घर पे, कुछ कर ही नहीं सकता है बंदा, यहाँ लाऊंगी सामान, यहाँ बेक करूँ। Too good. जरूर ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, जबरदस्त है जी साहब जी। अच्छा ये डो क्योंकि मैंने निकाला हुआ है ठंडा, मैं इसको सिक्स स्ट्रैंड्स करके, मैं सिर्फ अगर आई विश कि मैं आप लोगों को अगर बता सकूं, किसी दिन बना भी दूंगी। बादाम भी इतने अच्छे रोस्टेड हो गए हैं और ज्यादा जी, इसलिए आप पहले बहुत ज्यादा टोस्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि इसकी बेकिंग में भी ये टोस्ट हो रहे हैं, ये भी रीजन है। बस हल्का सा स्लाइटली टोस्ट करना है हमने उसे, ठीक है। ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि अभी ये काम हो नहीं सकता, बेकिंग तो नहीं होगी, डेफिनेट सी बात है। हमारे बंस भी बस आप देखे होने वाले हैं। अच्छा इसका हाला ब्रेड मैं किसी दिन या तो बना भी दूंगी आप यहाँ पे, तो शायद इनको सही से समझ आ जाए। हमारे पास टाइम है जी, है, है? सही है, अभी 20 मिनट है आपके पास, आराम से ठीक हो गया, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी स्ट्रैंड्स बनाएंगे, इक्वल पार्ट्स में कर लीजिएगा, मैंने तो अंदाजे से ही किया है अभी सिखाने के लिए। नॉर्मली हम इसको 100 ग्राम्स की भी एक स्ट्रैंड रखते हैं, अगर आप 100 ग्राम्स ही, बिल्कुल, तो वो इतनी बड़ी ब्रेड बनेगी, बहुत फूलती है, बहुत प्यारी लगती है। क्या बंस बन रहे, सैमा हो गए हैं मेरे ख्याल से जी, आप जानी बस तकरीबन हो गए, मैं निकालती हूँ थोड़ी देर। अल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, ये एक जैसी उस पर हो जाए ना भी हो, बस मकसद तो टेक्निक। अब अल्लाह कह रहे मुझे भी याद रह जाए, कई मरतबा ऐसा होता है कि हम जब छुट्टियाँ कर रहे होते ना कोई एक चीज़ हम मिस कर देते मुझे हैं। मुझे तो छुट्टियाँ बनाने ही नहीं आती मुझे तीन वाली तो आती है, और वैसे हम ब्रेड के ऊपर क्योंकि बना रहे होते हैं तो छः वाली आती है, अपने उस पर नहीं बना सकते, ब्रेड पर ही बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे
हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं ना, वो बड़ी अच्छी ब्रेडिंग कर सकते हैं। तू गुड भाई, हाथ नहीं रुक रहा है इस पे। नहीं, जबरदस्त नान कटाई है, मैं आपको क्या बताऊं। ये हमारा बेंच फ्लावर होता है जो हम छिड़कते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। सारी बात है, इतना नरम डो है तो आपको यूज़ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, एक दो तीन चार पाँच और ये हमारी लास्ट छः है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको समझाती हूँ इसकी। ऐसा लग रहा है किसी बेकरी में है, वैसी खुशबू आ रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा समझ ले, हमारे पास 6 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 है, हम 6 के 6 को इस तरह रखेंगे। आई विश के मेरा कैमरा हमें दिखाए सही से, और मैं जो हूँ इन 6 के 6 को जो है यहाँ से पिंच करूँगी। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे एक साथ, इसको हमने जोड़ लिया। अब सेट कैसे बनाना है समझ ले, ये 2 बाजू हैं, ये साइड पे गए और ये दो जन की टांगें ये साइड पर आ गई। ठीक है, मैं फनी इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और इसमें से हम ये वाला राइट साइड का जो है उठाकर मैं इधर ले आऊँगी पहले, और लेफ्ट साइड का मैं इधर ले जाऊंगी। ठीक है, अब इसमें तरीका ये है, जो आपके सामने है ये वाला, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसके पीछे वाले को जो है हम रोल करेंगे किस तरह से, कि ये वाला उठाकर मैं इधर लेकर आऊंगी, और जब ये इसके साथ मिलेगा, अब ये 3 हो गए, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 2-2 ही रखने हैं। तो ये अभी यहीं पर है, इसका ये एक्स्ट्रा बाहर वाला जो है ये मैं इधर ले जाऊंगी। ठीक है, जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो अब यहाँ पे जो है फिर हमारे पास ये वाला जो इस साइड पे था, इसको हम इन दोनों के सेंटर में लेकर आएंगे यहाँ पे। ये हमारी पहली नॉट हो गई ऊपर की। ठीक है, अगेन ये 3 हो गए, ये हमें 3 नहीं चाहिए, ये वाला मैं उठाऊंगी और ये हम इधर ले जाएंगे इसके साथ। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आई विश के मैं खुद भी ना कंफ्यूज हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बस आपने इस तरह से फोल्डिंग करनी है कि 3 का सेट हमने नहीं बनाना। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे है क्योंकि ये आगे और ये पीछे, तो इसको मैं फिर यहाँ पे ले आऊँगी। ठीक है, सेंटर में ये यहाँ पे आ गया। अगेन यहाँ पे हमारे पास नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा। ये हमारे पास 2 लेग्स इसकी मौजूद हैं, और अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये वाला ये हम उठाएंगे और ये हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये इसकी सेकंड नॉट आ गई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टेक्निकल है, लेकिन ये जब बन जाती है हाला ब्रेड, ये जब आप रोटी का आटा गूंथते हैं उससे प्रैक्टिस कर, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इंसान है जाहिर सी बात है, परेशान हो जाते हैं बीच में तो, लेकिन ये कि मैं आप लोगों को अभी मैं खुद भी देख लेती हूँ हमारी कौन सी वाली। अब ये आगे है और ये हमारे पीछे है ये वाली, तो हम क्या करेंगे इसमें से, एक मिनट ठहरे, ये वाली, ठीक है, ये वाली हम उठा के इधर लाएंगे। ये इसके आगे थी और ये पीछे वाली इधर आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाली है, ये हम लेके जाएंगे इधर इसके पास। ठीक है, ये हमारी 3rd नॉट आ गई। इतनी खूबसूरत होगी ये बेक होने के बाद, अब बहुत प्यारी लगती है। मैं घर में बनाती हूँ बड़े सुकून से, सोच के मतलब हमें किस तरह से इसको करना होता है। अच्छा, इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि एक इधर जा रही है तो एक इधर आ रही है, आप शुरू की जब वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हमने किस तरह से उसको ओवरलैप किया है। ठीक है, तो आप भी उस तरह से करके पूरी ब्रेडिंग जो है हम आप इसको लेकर नीचे तक आ जाएंगे सारी की सारी। हमारे बंस भी हो गए, आप जी आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये आगे है, ये हमारे पीछे है, तो ये वाली जो है हम उठा के सेंटर में लाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ आ गई और ये वाली जो है हम यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, ये हमारी नॉट्स इस तरह से होती जा रही है, और एनीवेज करते करते
जी बंसी हमारे रेडी है बिल्कुल। इसको मैं बटर करती हूँ, करते करते हम इसको पूरी ब्रेडिंग कर देंगे, ठीक है। ब्रेडिंग करके आप लास्ट में क्या हम करेंगे, मैं सिर्फ समझा देती हूँ टाइम की वजह से, कि लास्ट में हम इसको पिंचिंग करके और ये वाला हिस्सा जब हमारी पूरी ब्रेडिंग हो जाएगी हम इसको नीचे कर देंगे, तो ये अच्छा। इस तरह से पूरा ब्रेड आ जाएगा। अच्छा। पूरी ब्रेडिंग हो जाएगी, आप इसको उठा के और रखेंगे, रखने के बाद आप इसकी प्रूफिंग करेंगे और ये बहुत खूबसूरत अच्छा, लगती इसकी है। फिर वापस प्रूफिंग ये शेप देने के बाद okay. अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने शेप दे दी, मैं इसको चाहे किसी भी लोफ पैन में रखूं, कहीं भी रखूं, फिर उसके बाद इसको प्रूफिंग करेंगे, एग वॉश देंगे और फिर जब ये फूलती है तो बहुत हसीन लगती है। तो ये कहलाती है हाला ब्रेड्स। जितनी भी ब्रेडिंग वाली, चाहे आप 3 वाली ब्रेड करें, 6 वाली करें, 4 करें, 5 करें, ये आपकी चॉइस है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। और 3 वाली की एक और बड़ी खूबसूरत होती है आपा, कि 3 की हमने नॉर्मल चुटिया बनाई, फिर 3 की ब्रेडिंग की, 3 की ब्रेडिंग की, अब उन तीनों की एक ब्रेड कर दें तो वो तो बहुत ही हसीन लगती है, वो फूलती भी बहुत है। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, ये प्रोफेशनल्स की है, ये घरों में नॉर्मली नहीं की जाती, लेकिन मैंने सिर्फ आपको टेक्निक सिखा दी कि इसको इस तरह से हम जो है ओवरलैप करते जाएंगे। 3 अगर 2-2 का सेट हमने रखना है, तीसरे को हमने एक साइड पे ले जाते रहना है और इस तरह से आप पूरी ब्रेडिंग कर देंगे, ठीक है। ब्रेक है, बिल्कुल आप ठीक है जी, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। उफ़ अल्लाह, जो यहाँ पे खुशबू आ रही है और जो यहाँ पे बस मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं जाके फ्रिज खोलूँ और लूरपाक का मक्खन निकालूँ और इस पे, खैर इस पे मक्खन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, रिच है, बिल्कुल वेरी नाइस आयमा, रियली स्पेशल शो। नेक्स्ट वीक भी बहुत अच्छा ग्लूटेन फ्री केक बनेगा जिसमें मैदा नहीं पड़ेगा, ऑरेंज फ्लेवर का, बिकॉज कीनू बड़े अच्छे आए हुए हैं, और साथ में बनेगी मंकी ब्रेड, ठीक है। इंशाल्लाह तो मिस नहीं कीजिएगा हमारे शोज। और सायमा कुछ बताना है आपको? आपा जी ने वो क्वेश्चन किया था, मलेसा ने, हाँ, जी हाँ। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो कस्टर्ड फिल करना चाह रही हैं या टूटी फ्रूटीज। मलेसा देखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कस्टर्ड आप ना फिल करें। अगर आपकी कोई भी चीज़ ट्रैवल कर रही है और उसमें टाइम लगेगा तो डेफिनेट सी बात है बैक्टीरिया के चांसेस हैं, वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है, वो आप मत फिल कीजिएगा। और इवन दो कि आप अगर उसके अंदर फिल करके बेक भी कर रहे हैं, फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी चीज़ों के, वो खुद स्टेल हो जाएगी ब्रेड आपकी। तो दूसरा ये कि आप टूटी फ्रूटीज बिल्कुल ऐड कीजिए, क्योंकि वो पहले से प्रिजर्व्ड होती हैं, उनका इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऐड करने का तरीका क्या है, आप जितना चाहती हैं ऐड करना उसको छोटे छोटे से पहले क्यूब्स कीजिए, और जब डो आपका रेडी हो जाएगा और उसकी जब आपकी प्रूफिंग, जब फर्स्ट प्रूफिंग आप देने लगेंगे, उससे पहले आप जो है उसमें मिक्स करके रख सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि सेम ब्रेड, क्योंकि मेरा दिखाने का मकसद ये है कि इसी डो से आप जो चाहे बना सकते हैं, आप सिनेमन रोल्स इनफैक्ट बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस। तो आप सिनेमन रोल के जैसे आप उसको पूरे को रोल कीजिए डो को, और उसके बीच में आप जो भी फिलिंग करना चाहते हैं आप फिलिंग कीजिए अपनी चॉइस की, टूटी फ्रूटीज ऐड करें, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं आप उसको रोल करें, और फिर आप उसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करके आप उसको जो है प्रूफिंग दीजिए, फ्रिज में रखें, नेक्स्ट डे आप उसको, आपको दोबारा शेप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज आप उसको जो है रूम टेम्परेचर में लाके। दिस इज एक्सीलेंट आइडिया कि इस डो से हम सिनेमन रोल्स बनाएं, बिल्कुल आप बनते हैं, मजे के बनेंगे, बहुत मजे के बनेंगे जी। ओके जी, कोई बहुत, और ये इतना आपका स्पेशल डो है, ये सिखाने का मकसद ये था कि हमारे लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस भी इन चीज़ों की आए, थोड़ा सा हट के आप ब्रेड्स बनाएं। और अगर आपके बहुत ही कोई गेस्ट, जैसे हमारे कोई पसंदीदा लोग होते हैं कि घर में पेरेंट्स आ रहे हैं बेटियों के घर में या जैसे भी, तो आप कुछ स्पेशल उनको खिलाना चाहते हैं, तो आप 2 दिन पहले से बना के रख लें, और जब वो आने वाले हों उस दिन आप जो है डो को निकालें, प्रूफिंग दें और आप उनके लिए बेक करें, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स आपकी होंगी। तो बस इसी तरह से आप जो चाहे शेप दें, हाला ब्रेड बनाएं, डिफरेंट आप बंस बनाएं, इसके बर्गर बंस आप बनाएं। मुझे तो आपने बता दिया
चाहिए। दो मिनट हैं रिकैप पे जाने के लिए, इस ब्रेड का आप शेप समझा दीजिए जैसा अच्छा, आपने मुझे समझाया। मैं बिल्कुल समझा देती हूँ। हाँ। इसके अंदर आप जानी मैंने 6 लिए थे डो बॉल्स बनाई थी मैंने, जैसे पेड़े बनाते हैं। मैंने सेंटर का पेड़ा जो है वो थोड़ा बड़ा रखा था और साइड के पेड़े छोटे रखे थे, और यही रीज़न है कि वो सेंटर का पेड़ा जो है थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। तो मैंने सिंपल इस जैसे ये मोल्ड है तो दो पेड़े यहाँ रखे, बड़े पेड़े यहाँ रखे, फिर दो पेड़े यहाँ रखे बस, और उसको मैंने प्रूफिंग के लिए छोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने इसको। वेरी सिंपल जी, बहुत सिंपल। 6 बॉल्स बनाने, दो बड़े और 4 छोटे। पहले दो छोटे आपने इधर रखे, दो बड़े आपने बीच में रखे, फिर दो छोटे आपने उसकी आखिरी वाली साइड पे रखे और बस कवर करके छोड़ दीजिए प्रूफ होने के लिए, वो इस तरह प्रूफ हो जाएगा जी। ठीक है, सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अंडे से ब्रश करेंगे और आप बिल्कुल अंडे से आप ब्रश करके आप कर ले। और अभी जब मैंने ये बंस निकाले हैं तो मैंने हल्का सा बटर लगाया, मैंने इसको भी बटर लगाया था, वो लग बिल्कुल लाइट सा आपने बटर ऊपर जो है लगा देना है जब ये अवन से निकलेगा बस। ठीक है जी, वक्त आ चुका है रीकैप का, तो आज की दोनों रेसिपीज का चल के देखिए रीकैप। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आज वाला शो आप आज शाम में दोबारा से देख लीजिएगा, ताकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और नान खटाई भी थोड़ी टेक्निकल तरीके से उसको प्रेस करना और दबाना, दूध ज़्यादा नहीं डालना, डो का फॉर्म में नहीं करना, वो सब एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आपके जहन में जाके बैठ जाए और आप आराम से इसको घर में बना सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। वेलकम बैक, आई होप आपने रिकैप देख लिया होगा, हर चीज़ क्लियरली समझ आ गई होगी। सायमा इतनी अच्छी तरह समझाती हैं कि आई एम श्योर वो आप लोगों को समझ आ ही जाती होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो प्लीज़ आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होगा, आप ज़रूर दोबारा से देखिएगा। समझ आ भी गया हो तो भी देख लीजिएगा ताकि वो बिल्कुल आपके जहन में जाके ना बिल्कुल रह जाए, बस जाए, ताकि फिर जब आप बनाएं तो। और बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आज ही ये दोनों चीज़ें बना डालिए ताकि आपको हमेशा के लिए रात याद रह जाए। और नान खटाई का तो खैर जवाब ही नहीं है, मैं बिल्कुल उसका टेस्ट मैं भूल ही नहीं पा रही कि क्या है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, टू गुड, थैंक यू सो मच सायमा, एक्सेलेंट रेली। अल्लाह ताला आपको इसकी जजाए खैर दे जिस तरह आप समझाती हैं और कोई चीज़ आप छुपाती नहीं हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आप समझाती हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर में सायमा से क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, बताऊँगी आपको अपने पेज पर, आप लोगों को पता चल जाएगा जी। बताएँ आज की विनर हैं कराची से एनएक्स की शकीला, शकीला तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ही दिन में फ़ोन आएगा शकीला, और आप तक ये ज़बरदस्ती आयन एनएक्स की पहुंचा दी जाएगी। ठीक है जी, तो मुझे और शेफ़ सायमा को दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, बिला वजह बाहर मत निकलिए, ये कोविड बहुत आ गया है वापस से, जिसको सुनो मेरे तो बहुत सारे लोगों को कोविड में है, तो अल्लाह रहम करे हम सब पर इंशाल्लाह ताला, आमीन। ठीक है सायमा, कुछ बोलना चाहेंगी आप? नहीं, कोई पैगाम कुछ? बस दुआओं में हमेशा याद रखें मुझे, मेरी फैमिली को और ख़ास तौर पर मेरे उस्ताद को। अभी सही नहीं है? अब वो बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन है कि सबकी दुआएं उन्हें लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत बेहतरी की तरफ है, लेकिन मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है। बस उन्हें भी और हमें सबको, आपा को मुझे सबको दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।